पर एक सिग्नल के बीच पर हम खड़े हो गए। ये देखो यहाँ पर सब काटिंग हो रहा है और वहाँ पर सिग्नल है, 5 मिनट रुक जाना पड़ेगा यार। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी 7:30 हो रहा है ऑलमोस्ट। मेरे को कॉलेज जाना है, लेकिन उसके पहले ये सारे जो देख रहे हो ना, ये सारे क्लियर करना पड़ेगा भाई। गंदा लग रहा है घर के ऊपर ऐसा, तो पापा को मैं हेल्प करने वाला हूँ। अच्छा गाइस, कॉलेज के जाने के पहले राइस एंड मच नींबू। यहाँ पर मैंने आया था पिंच करने के लिए, हो गया, अभी कॉलेज जाना पड़ेगा। रिच कॉलेज, और मैंने देखा दो छोटे छोटे बच्चे कूल कार में, मतलब उनका स्कूल कार, वो पीछे बैठ कर स्टोन पेपर सीजर खेल रहे हैं। हार्डली 6, 7 और 8 में होगा। हाँ, स्कूल लाइफ इज़ अ बेस्ट लाइफ भाई, हम भी खेलते थे। और कॉलेज लाइफ जो हो रहा है वो तो अभी मेरे को दो क्वेश्चन लिखना है। आज मैं फोन बेंच पर बैठ गया, ये देखो भाई फर्स्ट बेंच है, साइड में ये मिरर है, ये वाला के लिए। अरे फ्लिप फ्लॉप किधर है? यहाँ पर एक है उसके लिए हम कर रहा हूँ। ओके लेट्स डू इट, इट्स आवर टिफिन टाइम, लेट्स गो टू कैंट। हमारा लिफ्ट खराब हो गया, अभी ठीक ठाक की काम चल रहा है भाई साहब। नाउ वी हैव लैब क्लास, लेट्स गो टू लैब भाई। लास्ट ईयर है, जल्दी घर जाऊंगा, अच्छे नहीं लग रहा है। अबे यार यहाँ पर देखो तोड़ दिया किसी ने ये। टुडे नॉट ए सिंगल टाइम आई हैव यूज लिफ्ट, हमेशा आज स्टेयर से यूज किया और करना चाहिए, स्टे फिट। एक साथ बात बताऊँ, मैं जब क्लास 11 पर ट्यूशन पर गई थी, तो फर्स्ट डे में, क्लास 11 में फर्स्ट डे, तो उस दिन मेरा प्राइवेट ट्यूटर बोला था बीपी पोदार बोलते, ये देखो ये पर लिखा है ना, कहाँ गया भाई ये, तो ऐसा कुछ कॉलेज है चिना पार्क के पास। मैंने सोचा भाई कैसा नाम है यार, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, अल्टीमेटली यहाँ पर ही ज्वाइन कर लिया। आज तुरंत मेरे को याद आ गया ये नाम देखने के बाद। कोई नहीं, चले घर चलते हैं, 4:27-28 हो रहा है, लेट्स गो। यहाँ पर एक सिग्नल के बीच पर हम खड़े हो गए, ये देखो यहाँ पर सब काटिंग हो रहा है और वहाँ पर सिग्नल है, 5 मिनट रुक जाना पड़ेगा यार। कोई नहीं, साइलेंट के थोड़ा करके हमको रुकना तो पड़ेगा ही, आई हैव टू फॉलो द रूल। ये देखो गाइस, लास्ट दिन में मैंने एक मैम को रिक्वेस्ट किया था, तामिम का स्टूडेंट स्कूल मैम को, कि मैम वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली नॉट टू स्टार्ट सेम टू बिफोर सेम वन एग्ज़ाम, क्योंकि इनका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ अभी फाइनल, मतलब सेम टू का सिलेबस शुरू कर दिया। तो मैम ने इन रिप्लाई ने ये बोला था, वी आर फॉलोइंग द माइक्रो शेड्यूल ओनली मैथ्स वी आर स्टार्टिंग एंड द रेस्ट सब्जेक्ट आफ्टर PT2। ये देखो मैम ने रिप्लाई दिया था इंस्टेंट, ये मेरा हैंड राइटिंग है, मैम का हैंड राइटिंग, और ये सिग्नेचर। हमारा टैंक पूरा 7 मिनट में फुल हो जाती है, ऑलमोस्ट 6 मिनट हो गया, अभी पानी गिर जाएगा, तुरंत बंद करना पड़ेगा नहीं तो पानी वेस्ट होगा। ये है इंडिकेशन कि मोटर चल रहा है। ओ पानी पड़ गया, पानी पड़ गया। जस्ट कंप्लीटेड असाइनमेंट, सो बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय टाटा। ओके जानो तू दिन घूमना, धीरे धीरे जरा दम लेना, प्यार से जो मिले गम लेना।